आधा भी आईपीटीवी सच आपके सामने। दोस्तों अगर आप इंदौर टेस्ट में भारत के धमाकेदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर मैच के तीसरे दिन ही पारी और 130 रन से बड़ी जीत हासिल कर ली और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर बनी हुई है। दोस्तों अब अगला टेस्ट मैच 22 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा जो ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच होगा जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने भले ही रन नहीं बना पाए लेकिन हमेशा आक्रामक रहने वाले कोहली ने ऐसा काम कर दिया जिससे सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों भारतीय कप्तान विराट कोहली के दुनिया भर में काफी चाहने वाले हैं और वे भी अपने फैंस का दिल कभी नहीं तोड़ते। ज्यादातर कोहली अपने खेल से ही अपने फैंस का दिल जीत लेते हैं लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन उन्होंने किसी और वजह से सबका दिल जीत लिया। दरअसल पिछले कुछ समय से मैच के दौरान घुसपैठियों का मैदान में घुसना जारी है जिसके बाद सुरक्षा गार्ड्स को उन्हें बाहर निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार तो इसी कारण से रोहित शर्मा चोटिल होने से बच गए थे इसलिए खिलाड़ी भी अपने ऐसे फैंस से दूर रहते हैं। मगर बांग्लादेश के खिलाफ मैच के तीसरे दिन मैदान पर कुछ और ही नजर आया। दरअसल ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कोहली का एक फैन दर्शक दीर्घा को पार करके उन तक पहुंच गया। इस फैन ने अपने शरीर पर वीके से पैंट किया हुआ था और वह कोहली के पैर छूने की कोशिश में था। तभी मैदान के सुरक्षा अधिकारी तेजी से उस फैन की तरफ आए उसे पकड़ने के लिए। तभी कोहली ने अपनी बाह फैन के गले में डालकर सुरक्षा अधिकारी को उन फैन को न पकड़ने की अपील की। तब कोहली के कहने पर सुरक्षा अधिकारी मान गए और कोहली ने अपने फैन को निराश नहीं किया बल्कि फैन के हाथ में हाथ डालकर बात की। तब कोहली के इसी भावना ने स्टेडियम में बैठे सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।